एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आए हैं बीच, काइट बीच। थोड़ा सा मौसम बेटर हुआ था तो हमने कहा चलो बीच पे चलते हैं। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं तो हम आए हैं, अदरवाइज आप दोपहर में तो सोच भी नहीं सकते। इतना हॉट वेदर है आजकल यही में, तो जो तो दुबई में रहते हैं उनको तो पता ही है कि कैसा वेदर है। और ये है जी बीच, पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर दी है हमने। ये सारे बैंगलोर्स भी बने हुए हैं, जो लोग बहुत नियर रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वेल और इंडिया जो है जा रही हैं, सामान ले लिया इंडिया ने, चेंज कर लिया है। बेला का और मेरा तो मूड नहीं है पानी में एंजॉय करने का, अदरवाइज हुआ तो थोड़ा बहुत वॉक ही होगी। ये है सन जो है डूबने वाला है, और गरम गरम रेत। तो नहाने का तो कोई मूड नहीं था, बस ऐसे ही बच्चे कह रहे थे तो लेके आए हैं बच्चों को बीच पे, अदरवाइज ऐसी पिकनिक का कोई प्लान नहीं था, बस सामान उठाया और आ गए। तो पिकनिक प्लान बनता तो प्रॉपर पिकनिक उस पे आते, जैसे पाकिस्तान में पिकनिक की प्रॉपर सेटिंग की जाती है, बस कराते हैं और सामान तैयारी ये वो, दो दिन पहले ही तैयारी हो जाती है। यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बस सामान उठाया और बैठे गाड़ी में और समंदर पे इंजॉय किया और घर। और गर्मियों में तो कोई इंजॉयमेंट नहीं होता, गर्मी में बहुत गर्मी होती है। जी पसीना, और ये है जी समंदर, और गर्मी देख लो। आज तो पसीने ने आने के और ठंडी, इतनी गर्मी है। एंजॉय का कोई सीन नहीं होता यहाँ पे, बस ऐसी गर्मी में पानी में, पानी भी पता नहीं ठंडा है कि नहीं। सितंबर में अक्टूबर में अच्छा मौसम होता है, उसमें आप आ सकते हैं बीच पे, अदरवाइज आप जो है गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। वो तो बच्चों की वजह से हम आ गए, थोड़ा सा हमने कहा चलो छुट्टियाँ हैं तो वो भी शाम में निकले हैं, दोपहर में तो हम कभी भी नहीं आए क्योंकि जल के राख ही हो जाए जो आएगा। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। अभी तो टाइम 6 बज रहे हैं और 6 बजे ये सूरज है, ये पसीना है, गर्मी कोई हवा नहीं है, बस पानी की आवाज़ ही आवाज़ है, लहरों वाला पानी। हम बनाएंगे अभी सैंडविच, जो कि प्रॉपर सेटिंग नहीं है, लेकिन फिर सॉस खाओगे समन? क्या सॉस खाना? ये हम फ्राई करके लेके आए थे पिज्जा का समन। अजीम कौन सा सॉस था? पेरी पेरी सॉस था? नहीं, चीज स्लाइस नहीं है, सादा फिश। और ये भाईजान हमारे कुछ नहीं खाते तो इनको ये मिलेगी सूखी ब्रेड, और ये इनको बनाना बच्चों को पहले, ये पकड़ो पहले सॉस, पहले वांट सॉस। ओके चलो, हम मामू को नहीं दे रहे, हम बेला को दे रहे हैं। मिट्टी भरी नहीं, क्या होगा वो देखने में लग रही है। ये है जी बेला का, ये गर्मी से बिल्कुल बेचारी चिपक गई है। ओ माय गॉड, टिश्यू बॉक्स लाए थे गाड़ी में सी चीज का हाल देख सकते हैं, अगर किसी की चीज ऐसे चिपक जाए तो सैंडविच पे लगानी मुश्किल हो रही है, तो ऐसे लगा सकते हैं आप, कैसा इजी वे है।
और फिर सैंडविच उठाएं यूं और इसको करें बंद और खा लें यम यम करके सैंडविच बंद कर दूँ। और एनजी और डैडा पहुंच चुके हैं पानी में और ये रहे, और ये बेला सैंडविच खा रही है और मामू भी जो हैं सूखा सैंडविच खा रहे हैं, जो कि प्याज भी नहीं खाते, टमाटर भी नहीं खाते और खीरा भी नहीं खाते। और कहने को ये मैरियट होटल के शेफ शेफ है, ये शेफ कुछ नहीं खाते। मोसेस अपने बाबा को देखो कौन सा सैंडविच खा रहे हैं। मोसेस आप अपने बाबा को कमेंट करना, ओके। और ये दीदी ने अपने सैंडविच में सब कुछ डाला है, इवन के चीज स्लाइस भी नहीं डाला मामू ने। ओहो, एंड्रिया को क्या हुआ है? ब्लैक ब्लैक आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है सूरज है ऊपर। क्योंकि एंड्रिया फुल एंजॉय करती है, आई नहीं, बेला तो थोड़ा सा डरती है, बट एंड्रिया बहुत एंजॉय। पानी की चमक अच्छी लग रही है ना। लहरें यहाँ में लहरें मिलती हैं, ममजा बीच से तो कोई लहर नहीं होती। पसीने पसीने हो गई मैं, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हुआ है, हवा थोड़ी सी ठंडी आनी शुरू हुई है, और पानी में जाओ तो फिर नहीं इतना पता चले शायद, क्योंकि पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्म, मीन कौसा कौसा पानी कहते हैं, नीम गर्म पानी है, नीम गर्म भी नहीं, ठंडा हो चुका है। हाय एंड्रिया, और ये बेला और मामू इंजॉय करते हुए अभी जाके मेरे लिए चाय लाए। ये हेलीकॉप्टर ढूंढ घूमता रहता है, सिक्योरिटी सबकी सेफ्टी भी होती है, देखता हुआ जाता है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर सबकी देखभाल के लिए घूमता रहता है कि समटाइम कोई ऐसे ज़्यादा गहरे पानी में चला जाता है तो उसको एमरजेंसी नीड हो जाती है, तो उसके लिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर। और मैंने जूम किया हुआ था तो जी मैं हेलीकॉप्टर के बारे में बता रही थी, मतलब कि कभी ऐसा होता है इमरजेंसी हो जाती है पानी में, जो कोई ज़्यादा गहरे पानी में चला जाता है तो उनके लिए फिर हेलीकॉप्टर भी ऊपर एक राउंड लगाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो तो फौरन हेल्प हो जाए। मैं जा रही हूँ अभी चाय लेने, क्योंकि ऐसा चाय शाय के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, चाय का जाके पता करना पड़ेगा। मैं अभी जा रही हूँ चाय लेती हूँ, चाय कॉफ़ी कुछ भी मिल गया ले लेंगे, गर्मी में बैठ के चाय पियेंगे। अभी थोड़ा सा वेदर जो है अच्छा होना शुरू हो गया, तो एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी, उम्मीद है अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और इतना ज़्यादा कोरोना की वजह से थोड़ा आउटिंग भी बंद है। ये वॉकिंग ट्रैक है, ये साइकिलिंग का है, बच्चों का प्ले एरिया, ये पूरे रेस्टोरेंट्स, ये पार्किंग। मेरी चप्पल गाड़ी में पड़ी हुई थी तो मैंने अपने शूज़ उतार के चप्पल पहन ली, बेला की भी पड़ी हुई थी, बाकी सबकी चप्पल नहीं थी, तो आज भाई को भी लेके आए, भाई बहुत कम आते साथ, तो एंजॉय करेंगे थोड़ा सा और बस चले जाएंगे। गाड़ी में जा रही हूँ बैग लेने, ये जी कश्तियाँ वगैरह पड़ी हुई, ये सारे होटल्स हैं, वॉशरूम्स हैं, ये अपने मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं, इतना खूबसूरत सूरज बीच में लग रहा है। लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, गोरे आपको पता है उनको वॉक के लिए चाहिए होता है, तो
सुबह सुबह जॉगिंग और वॉक, सब जो नियर रहते हैं वो आते हैं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए, वॉक करते हैं, जब जॉगिंग करते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं और फ्रेश होके चले जाते हैं। हमारे घर से बहुत दूर है काइट बीच, जुमेरा बीच, लामेर बीच, सबके व्लॉग आपने देखे ही होंगे, मेरे चैनल पे विज़िट करें और लामेर बीच भी देख सकते हैं आप और जुमेरा भी आई थिंक सो डाला मैंने। तो कैबिन्स, रेस्टोरेंट्स बहुत प्यारा बनाया है उन्होंने छोटे छोटे। अब ढूंढनी है मुझे यहाँ पे टी। फाइनली मुझे टी शॉप मिल गई इतनी दूर आने के बाद। ये बच्चों का प्ले एरिया अभी आई थिंक सो ओपन कर दिया है, ये ओपन कर दिया है प्ले एरिया। ये रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, बीच के रूल्स हैं सारे, फॉलो करने होंगे आप लोग को। ये बहुत खूबसूरत अभी अच्छा बना दिया है, ये है टी शॉप। अब मैं इधर आई हूँ, ये बच्चों का सारा प्ले एरिया है। तो जी ये है काइट बीच, सूरज डूब चुका है। तो काइट बीच की जो ख़ास बात है, काइट बीच का नाम काइट बीच क्यों रखा है, इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे काइट, एक तो पतंगे उड़ाते हैं लोग, काइट्स की एक्टिविटी होती है, दूसरा जो है वो पैराशूट टाइप की एक काइट होती है, वो पहन के जो है ऊपर समंदर में फ्लाई करते हैं। जैसे ये पीछे बाइक्स की आवाज़ आ रही है, ऐसे ही वो पूरी काइट एक होती है, देखी होगी अक्सर लोगों ने, वो पहन के ये लोग ऊपर फ्लाई करते हैं, इतना ऊपर जाते हैं फिर पानी में फ्लोटिंग और ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। और यहाँ पर जिम के लिए पूरा वो जो मैंने आपको दिखाया है, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं और जिम के सेशन होते हैं यहाँ पे, लोग जो है ट्रेनिंग भी करते हैं, देते भी हैं, ट्रेनर्स आते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम की एक्टिविटीज़। यहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा और बुर्जुल अरब मेरे पीछे बादलों में घूम गया है आई थिंक सो, ये हाँ बुर्जुल अरब भी आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। जैसे फायरवर्क होता है तो कुछ लोग इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि जो है उधर जाना मुश्किल हो जाता है, जगह नहीं मिलती, तो कुछ लोग यहाँ आके यहाँ बैठते हैं और बुर्जुल अरब का लाइटनिंग शो भी इंजॉय करते हैं, फायरवर्क। तो पीछे सारी जो है पब्लिक कम ही है, रश नहीं है, इतना कम लोग हैं। ये सारी इसकी एक्टिविटी है, काइट बीच की खास बात यही है कि, और एक यहाँ पे लाइफ गार्ड घूमते रहते हैं हर वक्त, और जैसे अभी शाम हुई है तो उन्होंने सबको निकाल दिया पानी में से, और पुलिस भी राउंड लगा रही होती है, ऊपर हेलीकॉप्टर भी आपने देखा है। तो अभी अजान होना लग गई है तो मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करती हूँ। बेला ने कॉटन कैंडी खाई और रेड हो गई बेला, ये देखो कॉटन कैंडी, शो मी योर टीथ बेला, वाव ड्रैकुला। और एंड्रिया फिर चली गई है पानी में, वाव एंड्रिया तो एंजॉय कर रही है पानी में। तो जी किसी भी समंदर चले जाओ, काइट बीच हो, जुमेरा बीच हो, लामेर हो, पानी आपको एकदम साफ सुथरा मिलेगा, पानी बहुत अच्छा होता है साफ। और ये सितंबर में तो बहुत ठंडा ठंडा होता है, अभी तो इतना अच्छा पानी है कि मतलब नॉर्मल है। सितंबर में काफ़ी ठंडा था, मैं सितंबर में शायद मैं लामेर बीच गई थी तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और अभी कम इंडिया लहरें, तो कुछ लोगों ने तो मास्क लगाया है, कुछ उतारा हुआ है किसी ने, और जब पानी नलकों में जो पानी आता ना वो भी इतना गर्म होता है कि आफ्टर स्विमिंग और आफ्टर पिकनिक आपकी फिनिश करके आप नहाने आओ, फ्रेश होने आओ, तो आप पानी से जलोगे, बहुत बहुत गर्म पानी आता है। कुछ घरों में भी गर्मियों में पानी बहुत गर्म आता है, तो ठंडा पानी नहीं मिलेगा फिर आपको यहाँ पे। तो अब मैं आ चुकी हूँ, सारा रेस्टोरेंट्स एरिया कवर करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सारा।
सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, बच्चों के प्ले एरिया भी बनाए हैं। लामियर बीच भी ऐसा ही है तकरीबन, बच्चों की एक्टिविटी और रेस्टोरेंट्स और बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं ना। हर बीच पे आपको ये हर खाने की, चाय की, कॉफ़ी की और सारी शॉप्स मिलेंगी। ये भी एक शॉप है, बच्चों के टॉय कैप्स, ये है सारा मैप आई थिंक सो। ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए है। ये जब हम लास्ट आए थे तो ये बन रही थी जगह, तो चल के देखते हैं क्या किया है इन्होंने। और ये भी आई थिंक सो एक बस में है, छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन ये अभी शायद बंद है। और ये इस पे बना हुआ है एक, जो मैं आपको बता रही थी कि ऐसे जाते हैं लोग। ये शॉप है एक छोटी सी, यहाँ से शायद वो मिलती हैं सारी चीज़ें। ये बोर्ड पे भी अभी मिट गया है, यहाँ पर अभी आए नहीं हैं ये लोग। यहाँ सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ओपन हो गया है शायद, शाम में खुलता है, दोपहर में तो किसने खेलना है। अच्छा बनाया है छोटे बच्चों के लिए। ये है चाय की शॉप जहाँ से मैंने चाय ली थी। और ये भी है, अभी अंदर चल रहा है। कोई फुटबॉल खेल रहा है और कोई जो है, ये मैप लगा हुआ है पूरा। ये अंदर एसी बनाया हुआ है, एसी का है पूरा, अभी ये नया बना है। यहाँ सारी एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि गोरे जो हैं ज़्यादा बीच की तरफ आके अपना जो है अकोमोडेशन जो भी है लेते हैं, ताकि उनको इन चीज़ों की सहूलत हो सके। होती पूरे दुबई में जहाँ भी चले जाओ, लेकिन आपको यहाँ पर हर एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उनका तो कल्चर होता है कि मस्ट एक्टिविटी करनी है, जॉगिंग और जो है आपको मस्ट एक्सरसाइज। हम तो छुट्टी कर लें जिम से, वो नहीं करते हैं, वो एक्टिव ही रहते हैं, तो अच्छा है, करनी भी चाहिए। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट वॉल, पूरी वॉल को इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये जो पेंट के खाली डिब्बे होते हैं उनको यहाँ पर ग्लू से स्टिक करके, और इस पे ग्लू से नहीं, पता नहीं किसी चीज़ से स्टिक किया होगा करके, तो उसको उन्होंने कलर किया हुआ है। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं और हेलीकॉप्टर स्टिल। रौनक होती है यहाँ पे, लेकिन अभी कोई रौनक नहीं है गर्मी की वजह से, कोई निकलता नहीं है, इतना कम निकलते हैं। ये अभी पानी बहुत गर्म आ रहा है, लेकिन मैंने कहा अपने पाँव धो लूँ, मट्टी मट्टी हो रहे हैं पाँव, तो पाँव हो गए हैं जी मेरे साफ पानी में। और मैं ये जॉगिंग ट्रैक पे वॉक कर रही हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है,